नहीं तो मित्रों नमस्कार, मैं दिग्विजय कुमार पटेल अपने यूट्यूब चैनल दिग्विजय पटेल 9635 पे आप सभी किसान मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आया हूं अमेठी जिला प्रतापगढ़ के अंतु गांव में। यहां पे एक धनिया की खेती हुआ है एडवांस में। एडवांस का मतलब सीजन में अभी एक महीने के बाद आपके यहाँ मिलेगा, लेकिन आपके यहाँ जो है जल्दी तैयार करते हैं। क्या है इसका राज, कैसे क्या करते हैं, आप लोगों को बताते हैं। भैया आप, भैया आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है विवेक, हम भवानीपुर ग्रामवासी के रहने वाले हैं। जी जी। इस समय हम धनिया की खेती लगा रहे हैं। धनिया की खेती आप कितने साल से कर रहे हैं? अरे लमसम 5 साल से कर रहे हैं हम लोग। 5 साल से कर रहे हैं। ये अभी आप कितने एकड़ में, कितने बीघे में लगाए हैं इसको? अरे हमारे 1 एकड़ है। 1 एकड़ में लगाए हैं आप। तो इसकी आप तैयारी कैसे किए थे, खेत की तैयारी मतलब कितने दिन पहले से किए थे? जैसे आप धनिया की खेती करना चाहते हैं जी, आपको एक हफ्ते पहले इसकी जुताई, इसकी बराबर समतलीकरण आपको करना पड़ेगा। उसके बाद DAP डालना पड़ता है जी। उसके बाद मेड़ी मारना पड़ता है, मतलब एक हफ्ते पहले आप बढ़िया गहरी जुताई करके, हाँ, देसी खाद वगैरह डाल के, DAP डाल के, जो भी आप डालते हैं डाल के बढ़िया तैयार करके, उसके बाद फिर क्या करते हैं इसको समतलीकरण करा लेते हैं खेत को। जी जी। मतलब एक बराबर हो कि पानी बराबर लगे कहीं, ताकि पानी रुके ना कहीं पे पहुंचे, पानी इकट्ठा ना हो पाए। उसके बाद मेड़ी बनाते हैं। जी जी। मेड़ी बना कर उसके बाद जो धनिया का बीज होता है उसको ऊपर से डालते हैं। डालने के बाद ये धनिया आप खड़ी, ये पहले ये बताइए कि ये वैरायटी कौन सी है, कौन सी कंपनी का? ये तो वैरायटी अभी लगा रखे हैं हम, इसको श्री साई का। श्री साई का, श्री साई का बीज है किसान मित्रों। तो श्री साई का आप ये खड़ी धनिया इसको बोलते हैं आप, इसको जैसे कोई लोग करके बोलते हैं? नहीं नहीं, अगर आप इसको बोना चाहते हैं तो आप इसका उसे सीधे आप खड़ी धनिया ही से, खड़ी मतलब आप लोग खड़ी यूज करते हैं? हाँ खड़ी यूज करना पड़ेगा। इसमें मतलब इसमें दो खंड करके रही केवल पूरा पूरा उसमें जो, अगर आप दो खंड बनाते हैं बीज को, उसमें जो इसका बीज होता है उगने पर उसका बीज जो है पौधा पतला पड़ जाता है। किसान मित्रों विशेष ध्यान दीजिएगा, दरने के बाद जैसे दो लोग दर के बनाते हैं, इस सीजन में खड़ी आप करेंगे तो पौधा स्वस्थ निकलेगा, यही बात है ना? स्वस्थ निकलेगा। और अगर आप तोड़ के बनाएंगे तो उसमें क्या है कि आपका पौधा कमजोर रहेगा, तो वो पानी धूप सहने की क्षमता उसमें कम होगी, कम हो जाएगी, इसीलिए ना। किसान मित्रों ये विशेष ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मतलब आप मेड़ी बना के इसमें आप छींट के उसके बाद थोड़ा सा दोबारा मिट्टी फेंकते हैं, उसके बाद दोबारा 2 इंची लमसम मिट्टी से फेंकना पड़ता है, ताकि बीच उगते समय इसकी कोई मतलब सुविधा असुविधा के ना हो पाए और आसानी से उग जाए बीज। तो ये मतलब पूरा सा लंबाई भी बना सकते हैं, छोटा छोटा सींचने में आराम हो जाए, पानी ना लगे। आप डिवाइस करके आप छोटा छोटा सा करके आप नाली के माध्यम से आप सिंचाई करते रहेंगे, इससे आपकी मेड़ी जो तो है इसकी नमी, जैसे आप मान लो बो दिए आज, मान लो कितना दिन होगा वो, एक लमसम 25 दिन हुआ है, 25 दिन हो गया लगभग। किसान मित्रों देखिए 25 दिन में आपका काटने के लिए तैयार हो चुका है बिल्कुल, दिखाइए भैया थोड़ा, ये आपका लगभग काटने के लिए तैयार हो गया है। 2 से 4 दिन में आप लगभग कटाई भी चालू कर देंगे बीच बीच में। तो जैसे आप इसको बोते हैं, बोने के बाद पानी तुरंत देते हैं या समय समय पर किस हिसाब से पानी देते हैं? आप जैसे बीज डालते हैं बुवाई आपकी कंप्लीट हो जाती है जी, उसके बाद आप तुरंत पानी का इसमें डालना पड़ता है। तो ये मिट्टी जब लगाते हैं तो इसमें नमी भरपूर होती है या मिट्टी सूखी होती है? नहीं, जब इसको हम लगाते हैं बीज डालते हैं तो इसमें नमी नहीं रहती है, मतलब एकदम सूखा रहेगा? हाँ एकदम सूखा रहेगा। उसके बनाने के बाद जब आप बीज इसमें डाल देंगे पूरा कंप्लीट हो जाएगा बीज वाला जी, उसके बाद आप पानी तुरंत लगाना पड़ता है जी, जी। मतलब ये बुवाई करके आप हल्का तो पानी आप पूरा भर के देते हैं कि नहीं? आप जब पानी इसमें डालें तो आप एक सावधानी रखें, जिससे आपको जो मेड़ी है मेड़ी के आधा ही हो ऊपर, ताकि ऊपर जाएगा तो आप उसमें कने चिपक जाएगा जी, जी। इसमें धनिया उगने में आपको सावधानी होगी, मिट्टी सख्त हो जाएगी। किसान तो जैसे पानी जब ज़्यादा लग जाएगा तो आपकी मेड़ी जो है डूबना नहीं चाहिए, अगर डूब जाएगा तो क्या होगा, वो मिट्टी सख्त हो जाएगी, जब सख्त हो जाएगी तो इसमें अंकुरण नहीं होगा, अंकुरण नहीं होगा तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो मतलब आप विशेष ध्यान दीजिए कि आप सूखे खेत में बुआई करिए इसकी, बुआई करने के पश्चात आप उसी दिन या अगले दिन पानी आप ले जाइए 1-2 नाली से 3 नाली से, आप आधी नाली विशेष करके ध्यान दीजिए, आधी नाली कहीं पानी डूबने ना पावे, ना डूबने ना पावे किसान मित्रों। उसके बाद फिर दूसरी सिंचाई किस हिसाब से करते हैं आप? 2-3 दिन बाद आप दूसरी भी सिंचाई कर सकते हैं कंटिन्यू, मतलब हाँ कंटिन्यू। कितने दिन तक कंटिन्यू करना पड़ता है आपको? जब तक आपका बीज उग ना जाए,
मतलब बोने के लगभग जैसे आप सिंचाई करते हैं, जैसे पहली सिंचाई आपने कर दिया जी जी, दो दिन के अंतराल पर आप दूसरी सिंचाई करेंगे जी जी, तो उसके बाद तीन दिन पे करके फिर सिंचाई करेंगे, नमी मतलब वो बरकरार होती जाएगी तो रुक जाएगा समय, नमी आपको बराबर देना पड़ेगा जी जी, जिससे कोई दिक्कत ना हो उगने के लिए जी जी। मतलब कहने का मतलब तीन सिंचाई लगभग जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, फिर आपको अंतराल बढ़ा सकते हैं उगने के बाद अपना फिर। तो इसमें कुछ बीमारी वगैरह कुछ लगती है एडवांस में? इसमें बीमारी आती है जैसे फंगस साइड आता है बहुत, जो फंगस लगता है चाहे वो पौधा छोटा रहेगा जी जी। इसमें जब जलने की शिकायत ज्यादा होती है जी जी। गलन तो सब, गलन जिसको गलन होता है जी जी। किसान तो गलन। को आपको निगरानी रखना पड़ेगा तभी आप उसे उगा सकते हैं जी जी। तो इसमें गलन के लिए और फंगस के लिए आप कोई विशेष दवा वगैरह है कुछ यूज करते हो बता दीजिए? फंगस साइड जिसे आप माइक्रोजेब ले लीजिए और कार्बन डाइजिंग, हाँ ये आता है। उसके बाद आप अरे दुकानदार आप जाएंगे तब तक फंगस साइड अपने अपने तो दुकानदार तो ठीक है बहुत है दवा, लेकिन आप जैसे आप लोग कर रहे हैं तो जो विशेष डालते हैं तो उस हिसाब से मैंकोजेब और कार्बेंडाजिन, हाँ ये दोनों मिलाएगा आप छिड़काव करते रहेंगे, इससे आपके फंगी साइड को बढ़ने नहीं देगा, आपका पौधा हरा भरा स्वस्थ रहेगा एकदम स्वस्थ है। देखो किसान मित्र पूरा एकदम ये आपका एकड़ में रहेगा पूरा, बाकी इधर भी अभी जो है अभी नया बोए है ये वाला भी ये उग रहा है। ये कितने दिन हो गया बोए अभी आपका? ये हो गया लगभग एक हफ्ते हुआ है। एक हफ्ते में इतना ग्रोथ हो गया है, थोड़ा पास में दिखाइए भैया, एक हफ्ते में भैया का इतना ग्रोथ हो गया है। तो इसकी कटाई पूरा मतलब इको पूरा एक तरफ से करते हैं कि बीच बीच में छोड़ते भी हैं? नहीं नहीं, जब आपका पौधा तैयार होता चला जाए आप आपका तैयार हो गया है देख रहे हैं, एक तरफ से आपकी कटाई होती चली जाएगी जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे और दिक्कत ये होती है कि इसमें बोने के बाद चारा यानी कि घास वगैरह ज़्यादा हो जाता है, तो डालने के लिए क्या उसमें कोई दवा ववा स्प्रे करते हैं? जब आप वो बुआई कंप्लीट कर लेते हैं तो उसमें दवा आती है पेंडा मिथली, हाँ पेंडा मिथली में आपको छिड़काव करना पड़ेगा। किसान मित्रों आप बुआई करिए डालना पड़ेगा आपको। तो इसमें नमी जब कम रहती है तो पेंडा मिथली काम करता है बराबर? हाँ हाँ, आप जब बुआई कंप्लीट कर लेंगे जी उसमें तुरंत बोने के बाद जी आप तुरंत उसमें डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर पेंडामेथिलीन किसानों मित्रों जब बुआई करिए आप 24 घंटे के अंदर में आपको डालना पड़ेगा, डालना जरूरी है तो भी काम करेगा, वो भी उल्टे पाँव मतलब जिस तरफ आप मारेंगे उसके ऊपर नहीं जाएंगे, हाँ, है ना, लेयर बना के रखता होगा ना। नहीं ठीक है। तो ये धनिया है भैया, धनिया खेती पूरा एकदम दिखा दीजिए एकदम फर्स्ट क्लास। किसान मित्रों से हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि आप अपना मोबाइल नंबर अगर बता सकते हो तो बता दीजिए, अगर किसी को कोई दिक्कत हो या जरूरत जानकारी लेना चाहेगा तो आपसे ले सकता है आप प्लीज़। हमारा मोबाइल नंबर है 9839124238। किसान मित्रों भैया का ये मोबाइल नंबर है, जो भी दिक्कत हो कोई समस्या हो हमारा मोबाइल नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप दोबारा नंबर रिपीट कर दीजिएगा। हमारा नंबर है 9839124238। किसान मित्रों इसी के साथ विदा लेते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय जवान जय किसान।